Hi, this is Rachna here. Welcome to The Good Tiffin, packed with easy, tasty and naturally fortified recipes. Fortified means ज़्यादा healthy, लेकिन taste में no compromise. आज हम बना रहे एक winter special fusion dish, बाजरा risotto. Risotto Italian traditional dish है जो arborio rice से बनती है, लेकिन यहाँ पे हमने rice को replace किया है बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट के साथ। बाजरा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे मिनरल से भरपूर है। हमारे हार्ट, बोन्स, जॉइंट्स और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेकारक है और इसे सर्दियों के दिनों में खाने का और भी मजा आता है। इस डिश में वेजिटेबल स्टॉक ऐड करने से फ्लेवर और भी अच्छा आता है। इस वेजिटेबल स्टॉक को आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है, पर आप चाहे तो प्लेन वाटर भी यूज कर सकते हैं। इस डिश को हम फर्दर फोर्टिफाई करेंगे पालक यानी कि स्पिनच और दिल लीव्स पाउडर यानी कि सुआ भाजी पाउडर के साथ। At the end of the recipe, as usual, you will find the Good Tiffin Nutrimeter, जिसमें सारी न्यूट्रिशनल जानकारी मिलेगी। तो आइए बनाते हैं हमारा विंटर स्पेशल डिलिशियस और हेल्दी बाजरा रिसोट्टो। In the meantime, हम वेजिटेबल सॉटे कर लेते हैं। आप अपनी पसंद के वेजीज यूज कर सकते हैं। सुआ भाजी यानी कि दिल लीव्स कैल्शियम और फॉस्फोरस से भरपूर है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन सी, इसलिए हमारी आईज और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये अच्छे से सॉटे हो गई है वेजीज। वेजीज में थोड़ा क्रंच रहना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम वाइट सॉस बना लेंगे इसी कढ़ाई में। देख सकते हैं थोड़ा सा थिकन हो गया है हमारा वाइट सॉस। अभी इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जैसे गुड थिकनेस अभी के लिए, ठीक है। अब हम बाजरे को पका लेंगे प्रेशर कुकर में। देख सकते हैं हमें इतना ही वेजिटेबल स्टॉक इसमें ऐड करना है और इसे हम अब प्रेशर कुक कर लेंगे। थोड़ा सा स्टॉक मैंने रख लिया है बाद में ऐड करने के लिए। ये देखिए ये पड़े पड़े अच्छे से थिक हो गया हमारा वाइट सॉस। पालक यानी कि स्पिनच बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सबसे भरपूर है, इसलिए हमारे हार्ट, बोन्स, आइज और स्किन के लिए बेनिफिशियल है। फॉलेट रिच होने के कारण ये एनीमिया प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प कर सकती है। अब इसे हम कवर करके कुक करेंगे और बीच में स्टर करते रहेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है बाजरा हमारा, पर ये बाजरा राइस की तरह लिक्विड सोक नहीं करता है इजीली, इसलिए हम थोड़ा सा पोहा का पाउडर डालेंगे। सो इट ऑल कम्स टुगेदर नाइसली। क्रीमी हो चुका है, अच्छे से पक चुका है हमारा बाजरा रिसोटो। मैं इसमें थोड़ा वेजिटेबल स्टॉक और ऐड करूँगी और अब हम हमारे वेजीज ऐड करेंगे जो हमने सॉटे करके रख दिए थे। तो आपने देखा कि कितना डिलिशियस और टेम्पटिंग लग रहा है हमारा बाजरा रिसोटो। इन सर्दियों में इसे ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और फोर्टिफिकेशन आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।